जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी वैसे कैंडिडेट के लिए है जो पीजी में एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन किए थे यूनिवर्सिटी के पोर्टल से। ठीक है, उनका प्रोविजनल लिस्ट आ गया, बहुत से कैंडिडेट के प्रोविजनल लिस्ट में नाम भी आया, बहुत का नहीं आया। तो वो घबरा रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। साथ में सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया गया था कि इतने तारीख को प्रोविजनल जारी करेगा, इतने तारीख को करेक्शन डेट है, उसके बाद जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो ऐसा देखने को क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों कब तक वो जारी होने की संभावना है। अभी तक कुल कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और किन किन कैंडिडेट को आसानी से एडमिशन हो जाएगा और किन को नहीं हो पाएगा, वो मैं आप लोगों के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, मेरिट लिस्ट से संबंधित जो मेरे पास सूचना आया था ना, वो दो तीन दिन पहले आ गया था कि अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होंगे, क्योंकि राजभवन और विश्वविद्यालय में थोड़ा वाद विवाद हो गया है और इस कारण से वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाएगा। और कितना दिन लगेगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो ये वाला पेपर क्लिप आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। और जो पेपर क्लिप देख रहे हैं, इसमें जो हेडिंग है आप लोग देख रहे होंगे, प्रथम सेमेस्टर 15 विषयों में निर्धारित सीट से अधिक छात्रों ने किया आवेदन। ठीक है, और मोटे लेवल में जो हेडिंग है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी में नामांकन को लेकर आए 30,860 आवेदन। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो आवेदन हुआ है वो सभी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। देखिए, इतिहास में सबसे अधिक व पारसी में सबसे कम आवेदन मिले हैं। उससे ज़्यादा जो आप लोगों को जो मारी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीट कितना है यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, सीट दिखाएगा सभी विषय का आगे में, और आवेदन कितना हुआ है वो सभी चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री ऑनर्स वाले कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। इतिहास में सीट है 1580, जबकि आवेदन हुआ है 3975। ठीक है, सीट अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मारामारी तो इतिहास में हो गया, उसके बाद जो हो जाएगा वो 892 सीट गणित में है, लेकिन 2883 आवेदन हुआ है, तो इसमें भी मारामारी देखने को मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे सीट से अधिक अगर आवेदन हुआ है तो आप लोगों को एडमिशन जो है अधिक मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट का हो पाएगा। सीट से कम हुआ है तो जो पास भी है ना उनको भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यह भी देखना होगा कि कैटेगरी के हिसाब से जिसका मेरिट लिस्ट बनेगा उनका होगा, तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुल आवेदन कितना वो देख लिए हैं। अब सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है ना, जो आप लोगों के लिए है, कि आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ, तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैं इसको एडिंग बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पढ़ के सुनिए, यहाँ पे नामांकन की तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, और क्यों नहीं देखिए, जानकारी के अनुसार नामांकन की तिथि को लेकर स्पष्ट या स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार सरकार एवं विश्वविद्यालय स्तर से स्वीकृति सीटों की संख्या में अंतर इसका प्रमुख कारण है। जब तक सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक नामांकन शुरू नहीं होने की बात कही जा रही है। देख सकते हैं, अब स्पष्ट सीट को लेकर के नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय और जो राज्य सरकार है वो दोनों में सीट का जो मिलाप है ना वो अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से जो है वो नामांकन की तिथि में रुकावट हो रही है। अब जो भी होगा आगे की सूचना मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल इतना ही जानकारी आप लोग रखिए। अब एक जानकारी और बता देता हूँ कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आया क्या उनका एडमिशन नहीं होगा। जी हाँ, उनका भी एडमिशन होगा अगर उनका मेरिट लिस्ट में मेरिट फाइट करता है होगा तब। ठीक है, तो ये नहीं समझिएगा, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा ही, तो उससे लॉगिन करके चेक करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।